ये हम आप देख रहे हैं उनके आवास पर हैं और उनके कुछ मित्रगण जो कॉलोनी में साथ रहते हैं, आइए बात करते हैं उनसे कि इनकी आखिरी समय कब उनसे बात हुई। जी आपका शुभ नाम? आगे आ जाइए। आरपी गुप्ता है जी, मैं रेजिडेंट वेलफेयर पुष्पांजलि भवन का अध्यक्ष हूँ जी। तो शनिवार दिन उनसे यहाँ की समस्याओं के बारे में डिस्कस करने के लिए आए हुए थे। उन्होंने कहा था कि कॉलोनी के लिए पानी और बिजली की मेन व्यवस्था है। लास्ट सैटरडे को कॉलोनी से संबंधित समस्याओं को लेकर आपकी उनसे मुलाकात हुई। कुछ उन्होंने आध्यात्मिक भी उपदेश भी हम लोगों को दिए थे। उन्होंने कहा था कि देखिए मैं पूजा नहीं करता, लेकिन मेरे अंदर के तार जो हैं, वाणी उसके हृदय के तार जो हैं, मेरे श्री ठाकुर जी से जुड़े हुए हैं, जिसका मेरे ऊपर उनका आशीर्वाद है। आप लोग ठाकुर जी का वो लगाएँ, उसके ध्यान लगाएँ, ठाकुर जी आपका भला करेंगे, उस कॉलोनी का भी आप पूरी तरीके से उद्धार करेंगे। और भी उन्होंने हमें रिफ्रेशमेंट कराया, लंच दिया। अटैक कब पड़ा उन्हें? अटैक पड़ा उसी रात, शनिवार की रात, लास्ट सैटरडे। लास्ट सैटरडे तो आपको पता ही चल गया। तो रात को हम लोग तो थे नहीं, हमारे चड्ढा जी हैं, इन्होंने हमें इन्फॉर्म किया। अच्छा, तो चड्ढा जी आपके मित्र थे? हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या बात हुई आपके साथ? रोज इनके कीर्तन तो होते, घर में कीर्तन होता है सुबह शाम, रोज सर जाते हैं, पब्लिक सर डेली दिनचर्या कीर्तन की थी। ठाकुर जी का गुणगान होता था, कीर्तन होता है रात को 9 से 10 तक, कीर्तन होता है इनके घर में रोज होता है। और बाकी साल में तो 3-4 बार फंक्शन करवाते हैं, बड़े बड़े संतों को बुलाते हैं। हाँ सर, इसी देह में लगे पड़े हैं, क्या कर सकते, अचानक ही हुआ है, कुछ पता नहीं लगा, कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक थे। तो इनके जाने से तो बहुत तगड़ी हानि हुई है, बहुत तगड़ी हानि है। शायद इसकी मैं समझता हूँ कि ये क्षतिपूर्ति ये पुष्पांजलि वैकुंठ का सर्वे सर्वा है। ये समझिए कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, ये क्षतिपूर्ति हम लोग नहीं कर सकेंगे। और ये गोविंद की गली जो नाम रखा इन्होंने पुष्पांजलि वैकुंठ के लिए, एक बहुत बड़ा वरदान था। और ये हम लोगों के लिए ये सुनी करें, ये हम लोगों के लिए बिल्कुल इतने